लो जी अभी हम खड़े हुए हैं वासु टेंपल मुकलोड़गंज में। हमारे पीछे लोगों का देखो तांता कितना ज़्यादा लगा हुआ है। अभी हम आपको बताते हैं, देखिए भरपूर आनंद ले रहे हैं और अच्छा खासा क्राउड है। अभी हम निकल जाएंगे, आते हुए आपको थोड़े से शॉर्ट्स बताते हैं। अभी हम निकल रहे हैं सीधा वाटरफॉल के लिए। रश है वो अच्छा खासा है। सामने वाटरफॉल है, बस वो जो दिख रहा है ना बस वहीं पे जाना है। नज़ारे देखो कितने अल्टीमेट नज़ारे हैं, बढ़िया नज़ारे के साथ बिल्कुल। और हम दो ट्रैवलर चल रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, वाटरफॉल की तरफ, बस इन नज़ारों का मज़ा लेते हुए। तो बने रहना वीडियो में यार। अभी हम चढ़ रहे हैं इंक्लाइंड बिल्कुल। यूट्यूबर हो? हाँ। अच्छा कौन सा चैनल है आपका? मोत्रा व्लॉग्स। मोत्रा व्लॉग्स। हाँ। तो जी अभी हम चल रहे हैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। तेज चढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना तेज चलेंगे सांसें फूलती जाएंगी, चलने की आदत कम है। गाड़ी बाइक से ही ट्रैवलिंग करते हैं ज़्यादा से। थोड़ा ट्रैक कर रहे हैं, सांसें फूल रही हैं और खूबसूरत नज़ारों की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं हम। क्राउड अच्छा खासा है। बट सांसें जो फूलने लगी है वो देखिए। तो जी अभी हम चलते चलते पहुंच ही चुके हैं वाटरफॉल के पास में। वो सामने ही वाटरफॉल है, नज़ारे देखो अल्टीमेट है। बस चलते हैं, थोड़ी देर इधर टाइम स्पेंड करेंगे, फिर आगे हम नड्डी के तरफ निकल जाएंगे। तो बस यही कहानी है, जो सांसें चल रही थी तेज से अब थोड़ी पैराग्लाइडिंग हो गई। पैराग्लाइडिंग बीर व्हीलिंग दिखने जाइए अज उसे। अगर पैराग्लाइडिंग होती हुई कर लगे, नहीं होते नहीं होगा। लो जी पहुंच चुके हैं वाटरफॉल पे, आपको नज़र आ रहा होगा मेरे पीछे वाटरफॉल है। तो अभी तो इतना ज़्यादा इतना फ्लो नहीं है, बट जब हम आते हैं थोड़ा सा बरसातों में ज़्यादा बारिश पड़ रही हो तो ये यहाँ पे इतने लोग घुसे हुए हैं, यहाँ पे घुस नहीं सकता कोई। यहाँ तक पानी होता है, यहाँ तक मैं बैठा हूँ यहाँ तक सिर्फ पानी ही पानी होता है। बहुत ही प्यारा मौसम है और बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। तो बस लोग देखो अपना अपना इंजॉय कर रहे हैं, हम भी आपके लिए सब कुछ अलग करने का कोशिश कर रहे हैं। गर्मी तो हो गई है, चल के आए हैं, थोड़ी गर्मी तो लगेगी, ठीक है। बस अब नज़ारे हैं, अंदर घुसने का तो मन नहीं है बिल्कुल, कपड़े भीग जाएंगे, और कपड़े भीग जाएंगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। बहुत ही अभी हम निकलने लगे हैं यहाँ से, और यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही प्यारा है, जो मौसम है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और वाटरफॉल लोग इंजॉय कर ही रहे हैं,
तब हम निकलते हैं यहाँ से। छोटा छोटा हल्का हल्का सब लेके निकले थे, तो बहुत ही प्यारा ऑसम सा नज़ारा जो आपको देखने को मिल रहा है। क्रोड ओवर क्रोडी तो मैं कल ही बता रहा हूँ, नज़ारे जो है अल्टीमेट नज़ारे यहाँ के। स्विमिंग पूल के नज़ारे ले रहे हैं लोग, मन तो हमारा ही कर रहा है, बट अभी हम इस योग्य हालत में नहीं है कि स्विमिंग पूल में हम नहा सकें। तो ये स्विमिंग पूल अगर आप आओ तो स्विमिंग पूल का भी नज़ारा ले सकते हो, बहुत बढ़िया पानी, फ्रेश वाटर है। और भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा, अगर यही ऑफ डेज में आओगे तो आपको इतनी क्राउड नहीं मिलेगा, तब आप आराम से इंजॉय कर सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ, तो निकल रहे हैं हम टेम्पल से। स्विमिंग पूल के नज़ारे ले रहे हैं लोग, मन तो हमारा ही कर रहा है, बट अभी हम इस योग्य हालत में नहीं है कि स्विमिंग पूल में हम नहा सकें। तो ये स्विमिंग पूल अगर आप आओ तो स्विमिंग पूल का भी नज़ारा ले सकते हो, बहुत बढ़िया पानी, फ्रेश वाटर है। और भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा, अगर यही ऑफ डेज में आओगे तो आपको इतनी क्राउड नहीं मिलेगा, तब आप आराम से इंजॉय कर सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ, तो निकल रहे हैं हम टेम्पल से। जाम देखिए कितना, कितनी बुरी हालत है जाम की, पौने घंटे से फंसे हुए हैं यहाँ पे, ना आने के लिए ना जाने के लिए जगह। ये है भाई सीजन में आने का नज़ारा, सुहावना मौसम, बहुत बढ़िया। और जाम वो भी बहुत बढ़िया, गजब का नज़ारा है यार, देखो बहुत ही अल्टीमेट अल्टीमेट नज़ारा, अल्टीमेट नज़ारा। और ये नज़ारों के बीच में हम दो ट्रैवलर घूमते हुए अगली डेस्टिनेशन अड्डी की तरफ, और ट्रैफिक का आपको दिख ही रहा होगा, गाड़ियाँ एक कतार लाइनों में लगी हुई है। और ये देखो बिल्कुल बादल हमारे नीचे चल रहे हैं, हम बादलों के ऊपर, थोड़ा सा विंड ब्लास्ट आएगा क्योंकि अभी हम बाइक पे हैं और हवाएं भी अच्छी खासी चल रही है। क्या